हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निवीस केक्स एंड किचन। आज मेरे किचन में बनने वाला है राइस, यानी कि सोया वेजिटेबल राइस। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ले ली है, ये देखिए आपके पास जो भी सब्जी है आप इसमें डालें। थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हैं मैंने, प्याज, टमाटर, थोड़े से काजू। ये सोया चंक्स को मैंने पानी में 10 मिनट के लिए सोख करके रख दिया था। यहाँ पे एक ग्लास मैंने चावल ले लिया है और यहाँ पे घी ले लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल का यूज करें। काजू नहीं है तो ये भी ऑप्शनल है, आप इसमें मूंगफली डाल सकते हैं। आपको जो चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने राइस का टेस्ट एनहांस कर सकते हैं और हेल्दी भी बना सकते हैं। सामान तो हमने देख लिया क्या क्या हमें चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून घी डाल लिया है, इसे मैं अच्छे से गरम कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये जो सोया वेजी पुलाव है ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है, आप इसे लंच या डिनर में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो सबसे पहले घी में मैं डालूँगी जीरा। जीरा डालने के बाद यहाँ पर हमें हमारे जो खड़े मसाले हैं उनको ऐड कर देना है, जैसे कि तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 2-4 दाने काली मिर्च के, 2-4 लौंग। फ्रेंड्स, आप चाहो तो काजू को अलग से पहले फ्राई कर लें। यहाँ पर मैंने मसालों के साथ ही काजू को फ्राई करना चाहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो गैस की फ्लेम है, अगर आप मसाले के साथ ही मेरी तरह काजू को फ्राई करना चाहते हैं तो गैस की फ्लेम को एकदम हमें स्लो कर देना है, ताकि जो हमारे काजू है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और जले ना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अब प्याज डाल लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सोया वेजी पुलाव है ये भी हमारे हेल्दी राइस रेसिपी की एक झलक आप कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन को भी डाल लिया था, इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 मीडियम साइज़ कटा हुआ टमाटर अब डाल दूँगी इसमें। टमाटर की क्वांटिटी को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब डाल दें इसमें इच्छानुसार नमक, इन सब को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आज की राइस रेसिपी में हमें मिलते हैं कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर, क्योंकि हमने बहुत सारी सब्जियां इसमें मिलाई है। तो आपका कभी पुलाव खाने का मन हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी टॉप रेमन का जो हमें मसाला मिलता है, मैगी मसाला, वो इसमें मैं डाल दूंगी। फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये मसाला डालने से हमारा जो पुलाव है वो इतना टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर बना कर देखिए। और आपके जो कमेंट्स है वो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी। 1 ग्लास चावल के लिए 2 मसाला मैगी के पैकेट्स काफ़ी है। यहाँ पर मैंने सोक किए हुए जो सोयाबीन वड़ी है वो अब डाल ली है, इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को भी अब मैंने डाल दिया है। सब्जियों में मेरे पास फ्रेंड्स फ्रेंच बीन थी, गाजर, मटर और थोड़े से जो कॉर्न के दाने थे वो मैंने इसमें डाल लिए हैं। आप चाहो तो इससे भी एकदम बारीक कट करके डालें, ताकि जो बच्चे हैं वो जान ना पाए कि इसमें हमने वेजिटेबल्स डाले हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल की घंटी को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है और इस स्ट्रेनर में डाल लिया है। ये स्ट्रेनर मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, ये स्ट्रेनर बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स। इसमें हम चावल को धो सकते हैं, जो दाल है वो इसमें हम वॉश कर सकते हैं, हमारी जो सब्जियां है वो इसमें हम वॉश कर सकते हैं। इसका जो पानी है चावल का, अब मैंने इसे अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब मैं राइस को इन सब्जियों में मिला दूंगी।
दोस्तों राइस को मैंने सिर्फ 5 मिनट पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे जो थोड़े से बचे हुए चावल है मेरे स्ट्रेनर में, वो भी मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम कुकर में चावल बनाते हैं और राइस को हमने थोड़ा सा भिगो दिया है इन एडवांस थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर हमने 1 ग्लास राइस लिया है, तो इसके लिए हमें सिर्फ 1.5 ग्लास पानी डालना होगा, जिससे कि हमारा जो चावल है वो एकदम खिला खिला रहेगा। तो अब सारी सब्जियाँ और चावल को हमें अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स, आप सोचोगे कि इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है और मैगी का मसाला डाला है जो ऑलरेडी स्पाइसी होता है, तो हमारी बिरयानी जो पुलाव है, ये सोया राइस है, ये भी बहुत स्पाइसी हो गया होगा। बट ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, ये एकदम नॉर्मल चावल का जो टेस्ट होता है वैसे ही हमारा ये पुलाव बनता है। यहाँ पर पहले मैंने 1 ग्लास पानी डाला और फिर बाद में 1/2 ग्लास पानी डाल लिया। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। तो है ना ये रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल। तो देखिए, अब मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा लूँगी और इसे एक ही विसल में पका लूँगी। मगर ढक्कन लगाने से पहले इसमें 1 टीस्पून घी ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। अब इसका मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसे एक ही सीटी में चावल को पका लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारे चावल रेडी हो गए हैं। इसे खोल के बताती हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल, कितना अच्छा कलर लग रहा है हमारे राइस का दोस्तों। यहाँ पर हमें कलची से बिल्कुल भी राइस को अब हिलाना नहीं है। इसे हम एक कांटे की मदद से अच्छे से हिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमें चावल को कांटे की सहायता से मिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी इजी और सिंपल है ये रेसिपी, है ना। तो देखिए, चावल को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इस तरह हमारे एकदम खिले खिले चावल नज़र आ रहे हैं बस। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।